नमस्कार दोस्तों, इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इस साल कोरोना काल में IPL को आयोजित कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया। उनकी मेहनत रंग भी लाई और भारत में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए इसे UAE में कराने का फैसला किया गया। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले BCCI और IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बुरी खबर सामने आई, जब पता चला कि उनके 13 सदस्य दुबई में कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कोरोना संक्रमित लोगों में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दीपक चहर का नाम भी शामिल है। अपने भाई से जुड़ी ऐसी खबर आने पर उनकी बहन मालती चहर ने अपना रिएक्शन दिया है। मालती चहर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दीपक चहर का एक फोटो शेयर किया। इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, तुम एक सच्चे योद्धा हो, लड़ने के लिए पैदा हुए हो। अंधेरी रात के बाद एक चमकता दिन होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम शानदार तरीके से वापसी करोगे। तुम्हारी दहाड़ का इंतजार कर रही हूँ। बता दें कि IPL 2020 के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार सभी प्रतिभागियों का पूरे सीजन के दौरान नियमित तौर पर परीक्षण किया जाएगा। पॉजिटिव आए लोगों को 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। इसके बाद जांच में निगेटिव आने पर ही उन्हें टूर्नामेंट के जैव सुरक्षित माहौल में आने की अनुमति होगी। बता दें 29 मार्च से शुरू होने वाला IPL 2020 कोरोना वायरस की वजह से स्थगित किया गया था, लेकिन अब इस टूर्नामेंट का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच UAE में किया जा रहा है। वहीं इस लीग का पहला मैच मुंबई और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। इस बार टूर्नामेंट 51 की जगह 53 दिनों तक खेला जाएगा। कोरोना वायरस के कारण इस बार IPL UAE में खेला जा रहा है। ऐसा दूसरी बार है जब IPL के मैच UAE में होंगे। इससे पहले साल 2014 में IPL के कुछ मैच UAE में खेले गए थे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।